हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, जो कि एलन प्रेड ने 1967 में अपनी पुस्तक बिहेवियर एंड लोकेशन में दी थी। इससे पहले आपने विभिन्न इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें अल्फ्रेड वेबर, हूवर, वॉल्टर इजार्ड, डीएम स्मिथ, रास्ट्रॉन, पैलेंडर, ऑगस्ट लॉस इत्यादि की आपने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी पढ़ी होगी। जो इस थ्योरी के अलावा जितनी भी थ्योरीज है, उन थ्योरी में इकोनॉमिक एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दिया गया है, मानव के आर्थिक पक्ष की तरफ ध्यान दिया गया है, इकोनॉमिक इनकम की तरफ ध्यान दिया गया है। उसमें मानव को केवल ऑप्टिमाइजर बताया है, वो केवल और केवल आर्थिक हित देखता है, उसमें मानव व्यवहार को बिल्कुल भी वरीयता नहीं दी गई है। 1960s में जब व्यवहारवाद चरम पे था, जो बिहेवियरलिज्म का दौर आया, तो उस बिहेवियरलिज्म के दौर में एलन प्रेड ने बिहेवियरल मैट्रिक्स के द्वारा इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी को बताया। उन्होंने बताया कि मानव केवल आर्थिक इनकम के हिसाब से काम नहीं करता, उसके साथ साथ उसको साइकिक इनकम भी चाहिए, यानी कि मनोवैज्ञानिक इनकम भी चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर किसी को गांव में 25,000 रुपये पर मंथ इनकम होती हो और उसको पता हो कि भाई वो शहर में जाए तो उसे 50,000 रुपये इनकम होगी, तो वो इस केस में गांव को चूज करता है। और अब आर्थिक रूप से कोई चूज करना चाहे तो 50,000 रुपये ज़्यादा रकम है, पर वो अपने कुछ सोशल बेनिफिट भी देखता है, कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू भी देखता है, कुछ अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता है। इस तरह से उसकी जो साइकिक इनकम है, उसका पक्ष भी मानव व्यवहार में आता है, यानी कि मानव आर्थिक इनकम के साथ साथ मनोवैज्ञानिक इनकम पर भी ध्यान देता है। इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने मानव व्यवहार के लिए बिहेवियरल मैट्रिक्स बनाई, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको क्वांटिफाई करने के लिए बिहेवियरल मैट्रिक्स का सहारा लिया। मैट्रिक्स यानी कि ये जो आव्यूह दिख रहा है, ये जो जालीनुमा संरचना दिख रही है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। और बी से तात्पर्य ह्यूमन बिहेवियर का है। अब जो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए ये बिहेवियरल मैट्रिक्स बनाई गई, तो इसमें यह है कि जब हम इंडस्ट्रियल लोकेशन को चूज़ करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए लोकेशन को चूज़ करते हैं, तो हमारे पास कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ न कुछ डेटा होते हैं, उनके आधार पर हम फैसला लेते हैं। जैसे कि विभिन्न कंपनियों के पास कंज्यूमर के डेटा होते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन के अलावा जो उन्होंने दूसरा पक्ष बताया, वो बताया कि इन्फॉर्मेशन को यूज करने की एबिलिटी कितनी है, इन्फॉर्मेशन को यूज करने की क्षमता कितनी है उस व्यक्ति में जो इंडस्ट्री लगाने वाला है। उसकी क्षमता या तो कम है और या उसकी क्षमता बहुत अधिक है। तो हमारे पास एक तो इन्फॉर्मेशन होती है और दूसरी होती है उसको यूज करने की एबिलिटी। जैसा कि कोई विद्यार्थी है जो पढ़ने वाला है, अगर उसके पास क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैटर कितना है और साथ ही साथ उसका आईक्यू लेवल कितना है उनको रीड करने का, उसकी एबिलिटी कितनी है उन किताबों को पढ़ने की, इस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। तो इंडस्ट्री की लोकेशन को चूज करने के लिए उसके पास क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कितना है और साथ ही साथ उसको यूज करने की एबिलिटी कितनी है, इस हिसाब से वो लोकेशन चूज करता है। तो जो पहला है B11, तो इसमें जो वन पक्ष है वो दर्शा रहा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वन का टू हो गया, थ्री हो गया, फिर ये एन हो गया। इसी प्रकार एबिलिटी है इंफॉर्मेशन को यूज करने की, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जो सेकेंड डिजिट है 1, 2, 3 एंड n। और मैक्सिमम जो एबिलिटी है यूज करने की इंफॉर्मेशन को, वो n हो रही है। और मैक्सिमम ही क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन n हो रही है, यानी कि BNN व्यक्ति है, जो सबसे बॉटम राइट कॉर्नर पे जो व्यक्ति होगा वो सबसे ज़्यादा सटीक इंडस्ट्री की लोकेशन को चूज करेगा, जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया कि जो ह्यूमन होता है, मानव होता है, वो ऑप्टिमाइजर ना होके सेटिस्फाइसर होता है, यानी कि मानव अपनी संतुष्टि के हिसाब से कार्य करता है। जहाँ उसकी संतुष्टि होती है
वो वहीं पे इंडस्ट्री को स्थापित करता है, वहीं पे इंडस्ट्री की लोकेशन को चूज करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक जो इंडस्ट्री स्थापित करने वाला व्यक्ति है उसको गोल्फ खेलना पसंद है, तो जो इंडस्ट्री की लोकेशन वो चूज करेगा वो गोल्फ कोर्स के पास चूज करने की कोशिश करेगा। साथ ही अगर उसकी फैमिली की कोई और नीड है तो उस हिसाब से वो अपनी इंडस्ट्री की लोकेशन को चूज करेगा। तो मानव ऑप्टिमाइजर ना होके सेटिस्फाइसर है, उसकी संतुष्टि के हिसाब से काम करता है। मानव ऑप्टिमाइजर ना होके इम्परफेक्ट ऑप्टिमाइजर है, मतलब पूरी तरीके से परफेक्टली ऑप्टिमाइजर ना होके इम्परफेक्टली ऑप्टिमाइजर है। साथ ही साथ उसके बहुत तरह के वैरायटी ऑफ गोल्स है, मतलब वो अपने आर्थिक हितों के अलावा अन्य जो गोल्स है उनको भी ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री की लोकेशन को चूज करता है, और इकोनॉमिक इनकम के साथ साथ साइकिक इनकम को भी ध्यान में रखता है, और इस हिसाब से जो वो डिसीज़न लेता है वो ऑप्टिमल ना होके सब ऑप्टिमल डिसीज़न होता है, और इस हिसाब से जो लोकेशन वो चूज करता है वो भी सब ऑप्टिमल होती है। साथ ही उन्होंने अपनी थ्योरी में बिहेवियरल मैट्रिक्स को स्पष्ट करते हुए ये बताया कि जो व्यक्ति जिसके पास एबिलिटी भी बहुत अच्छी है और इन्फॉर्मेशन की क्वांटिटी और क्वालिटी भी अच्छी है वो ऑप्टिमम लोकेशन, उपयुक्त लोकेशन चूज कर पाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो व्यक्ति जिसके पास एबिलिटी भी ना के बराबर है और क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन भी ना के बराबर है, ऐसा व्यक्ति भी बाई चांस ऑप्टिमम लोकेशन चूज कर सकता है। अब व्यक्ति के पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और साथ ही साथ एबिलिटी भी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं धरातल पे लोकेशन तो चूज करेगा ही, और उस दरमियान वो ऐसी लोकेशन चूज करता है जो ऑप्टिमम है। यह बाई चांस है, ये एक प्रोबेबिलिटी के अनुसार, एक तुक्के के अनुसार वो अपनी लोकेशन है वो ऑप्टिमम लोकेशन में चूज कर सकता है। जैसे एक सिटी है और उस सिटी के चारों ओर तीन ऑप्टिमम लोकेशन है इंडस्ट्री को स्थापित करने की, उस सिटी को सर्व करने के लिए तीन ऑप्टिमम लोकेशन है जहां पे इंडस्ट्री स्थापित की जा सकती, क्योंकि सिटी बहुत बड़ी है इसलिए उसके लिए लोकेशन भी तीन है। तो इन लोकेशन के अंदर जो इंडस्ट्री स्थापित होगी वो ऑप्टिमम लोकेशन होगी, वहां पे उसको आर्थिक फायदा ज़्यादा होगा, और इन लोकेशन के जो बाहर इंडस्ट्री स्थापित होगी वहाँ पे उसको फायदा कम होगा। तो अब जैसे B11 व्यक्ति है, इसके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत कम है और एबिलिटी भी ना के बराबर है, तो भी ये बाई चांस इसके अंदर इंडस्ट्री स्थापित कर पाया। वहीं अगर ये B21 को देखें तो इसके पास इंफॉर्मेशन भी कम थी और एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन भी कम थी, तो इस ये जो इंडस्ट्री इसने स्थापित की वो बाहर की ओर है। वहीं BNN जो इंडस्ट्री स्थापित करेगा वो इस ऑप्टिमम लोकेशन के अंदर स्थापित होने की प्रायिकता ज़्यादा है, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि उस जो लोकेशन वो चूज करता है वो इस ऑप्टिमम लोकेशन के अंदर ही स्थापित हो। तो इस प्रकार एलन प्रेड ने अपनी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में मानव व्यवहार की अहमियत के बारे में बताया, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भी केवल और केवल इकोनॉमिक बिहेवियर मायने नहीं रखता, ह्यूमन बिहेवियर की भी इम्पोर्टेंस होती है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।